नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से जो कि ऋषभ और करण के बीच में बहुत बड़ी फाइट होने जा रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में करण जो कि प्रीता से बोलता हुआ नजर आएगा कि तुम धोखा देने में तो पहले से ही सक्षम हो और तुमने जिस तरीका से करण को मारा है उसकी सज़ा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से बार बार देखा गया है कि इधर करण टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, इधर जब ऋषभ ने ये बात सुनी कि करण किस तरीका से प्रीता को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, वो तभी से जो कि ऋषभ करण से बोलता हुआ नजर आएगा कि अर्जुन सूर्यवंशी, हम आपके इनविटेशन पे आए थे यहाँ के लिए, क्योंकि आपने इनवाइट किया था हम लोगों को, लेकिन लगता है आप में तमीज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आपको नहीं पता शायद कि गेस्ट से किस तरीका से पेश आते हैं, क्योंकि आपने करण के सामान में दिलचस्पी दिखाई इसलिए हम थोड़ा सा आपकी लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो हमारा क्या मतलब पड़ रहा है यहाँ पर आने का या आपकी लिहाज करने का। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्म मिजाज में नज़र आने वाले हैं ऋषभ, क्योंकि ऋषभ सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन ऋषभ कभी भी प्रीता की बेइज्जती कभी भी नहीं सहन कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रीता की बेइज्जती हुई है तो वो इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन लोगों को जल्दी ही पता लग जाएगा कि करण कोई और नहीं है बल्कि अर्जुन सूर्यवंशी ही करण है, और करण के भेष में वो इसलिए आया हुआ है ताकि इन लोगों की हैकड़ी को बंद कर सके, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि करण इस समय प्रीता और ऋषभ से बहुत ज़्यादा दुश्मनी समझे बैठा है अपने माइंड में। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पूरे परिवार के साथ में हालांकि खुश भी नज़र आ रहा है करण। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करना चाहूँगा गाइस कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।